Hello everyone, this question appears in class 8th NCERT chapter of algebraic expressions and identities. This is 6th question of its exercise 9.5. So the question says that using identities evaluate. So we use karenge yahan pe a plus b ka whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Then a minus b ka whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Then a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So first is 71 का square, so हम लिख सकते हैं इसे 70 plus 1 का whole square, so हो जाएगा 70 का square plus 1 square plus 2 into 70 into 1, so हो जाएगा 140. तो हो जाएगा 4900 प्लस 1 प्लस 140, सो हो जाएगा 5041. एंड सेकंड 99, सो इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो हो जाएगा 9900 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 into 100 into 1, so 200, so ho jayega 10,000 plus 1 minus 200 is equal to 9,801. Then third is 102, so isse hum likh sakte hain 100 plus 2 ka whole square, so ho jayega a plus b ka whole square. So 100 square plus 2 square plus 2 into 2 into 100. So jayega 400. So jayega 10,000 plus 4 plus 400. So jayega 10,404. Then fourth part is 5.2 का होल स्क्वायर, सो हम इसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, सो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 2ab, सो हो जाएगा 2 5 जा 10 इंटू 2, सो 2, सो हो जाएगा 27.04. Then fifth part is 297. So, ऐसे हम लिख सकते हैं 300 minus 3 then 303 को हम लिख सकते हैं 300 plus 3, सो हो जाएगा a square a plus b a minus b, हो जाएगा 300 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो हो जाएगा 90,000 माइनस 9 इज इक्वल टू 89,991. देन हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा सिक्स्थ, देन सेवेंथ 78 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2, देन 82 को लिख सकते हैं 80 प्लस 2, सो हो जाएगा a माइनस b a प्लस b, सो 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 माइनस 4 इज इक्वल टू 6,396. देन एट्थ पार्ट इज 89 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर, सो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, सो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 0.1 का स्क्वायर 0.01 माइनस 2ab, सो 2 इंटू 9 18 इंटू 0.1, सो 1.8
is equal to 79.21. Then ninth is 10.5 को हम लिख सकते हैं 10 + 0.5, एंड 9.5 को लिख सकते हैं 10 - 0.5. सो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी. सो ए स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर. सो हो जाएगा 10,000 - 0.25. सो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10 है. सो हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100. सो 100 - 0.25, सो 99.75. थैंक यू.